गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट, टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू मैथ सब्जेक्ट. टेक आउट पेज नंबर 69, चैप्टर नंबर 8, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अप टू 100. इन प्रीवियस वीडियो वी हैव टू लर्न दिस ऐड एंड नाउ वी विल स्टार्ट नेक्स्ट पेज नंबर 71. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ऐड करना. जैसे ये क्या है, 46 और नीचे है 2, तो 46 जो है टेंस की डिजिट का नंबर है, 46 जो है टेंस की डिजिट का नंबर है. ठीक है, तो ये 46 है, ये 2 है. तो ये 46 जो है 10 की डिजिट मानते हैं और 2 जो है वंस की डिजिट मानते हैं. तो कैसे लिखा जाएगा, 4 को टेंस की डिजिट में लिखेंगे और 6 को वंस की डिजिट में लिखेंगे. तो देखो, ऊपर वाले नंबर को माइंड में रखना है और नीचे जो नंबर है, स्मॉल नंबर है, उसको फिंगर पे रखेंगे. तो मैंने 2 को फिंगर पे रखा और 6 को माइंड में रखा. आफ्टर 6 क्या आता है, 7 और 8. तो 8 आ गया और 4 एज इट इज़ आ गया. ठीक है, ये तो मैंने कर दिए थे. आप ये वाला देखो, जैसे यहाँ पे है 52 और 5. तो ये देखो, 2 और 5 को हमें ऐड करना है. तो हम क्या करेंगे, जो बिग नंबर है उसको माइंड में रखेंगे और जो स्मॉल नंबर है उसको फिंगर पे शो करेंगे. तो मैंने 2 को फिंगर पे शो किया और 5 को रखा माइंड में. आफ्टर 5 आता है 6, तो 6 से स्टार्ट करते हैं. 6, 7, तो हमारा आंसर क्या है, 7. और 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 5 एज इट इज़ आएगा. ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6 है. तो 6 को मैंने माइंड में रखा और 2 को रखा फिंगर पे. आफ्टर 6 विच नंबर विल कम, 7, 8. 8, 6 एज इट इज़ आएगा. ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, 8 और 1. 8 बिग नंबर है, 8 को मैंने माइंड में रखा और 1 को रखा फिंगर पे. आफ्टर 8 क्या आता है, 9. तो ये आ गया हमारा आंसर, 9. और 4 एज इट इज़. अब देखो, 5 और 2 में से मैंने 5 को माइंड में रखा और 2 को रखा फिंगर पे. आफ्टर 5, 6, 7. ये आ गया हमारा आंसर, 7. और 7 के नीचे कोई भी एडिशन करने के लिए कुछ भी नहीं है, 7 एज इट इज़ आएगा. ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, 5 और 3. तो 5 को मैंने माइंड में रखा, 3 को मैंने फिंगर पे शो किया. आफ्टर 5 क्या आएगा, 6, 7, 8. तो हमारा आंसर क्या है, 8 और 5 एज इट इज़. ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है देखो, 8 और 0. अब देखो, 0 है तो इसका मतलब ऐड, 0 ऐड नहीं होता है. तो 8 जो है एज इट इज़ आएगा और 6 भी एज इट इज़ आएगा, 68. अब देखो, यहाँ पे भी 0 है, 0 ऐड नहीं होगा, 7 एज इट इज़ आएगा. और यहाँ पे 7 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो 7 ऐसे कैसे आ जाएगा. अब देखो, 3 और 4 है, मैंने बिग नंबर को माइंड में रखा और फिंगर पे मैंने 3 को शो किया, ये वाला 3. अब आफ्टर 4, 5, 6, 7. तो यहाँ आएगा आंसर, 7 और 4 एज इट इज़. ओके, नाउ नेक्स्ट, 4 एंड 3. अब देखो, 4 एंड 3 7 था, तो ये भी 7 हो जाएगा और 6 एज इट इज़. ठीक है, तो इस तरीके से करना है. फिर नेक्स्ट आता है नीचे, ये वाले नंबर कैसे करने हैं देखते हैं. इसमें भी वही है. अब देखो, इसमें तो 1 डिजिट थी नीचे, लेकिन इसमें 2 डिजिट है, यानी 10 की डिजिट है. तो स्टार्ट करते हैं, 4 और 3 जैसे 7 होता है, तो 5 और 3 कितने होंगे. 5 बिग नंबर है, मैंने माइंड में रखा और 3 को फिंगर पे शो किया. आफ्टर 5, 6, 7, 8. तो ये हमारा आंसर आ गया, 8. ओके, अब ये तो किया हुआ है, ये वाला करते हैं. 5 और 2, 7. 4 और 2 कितने हुए, 4 को मैंने माइंड में रखा, 2 को फिंगर पे. आफ्टर 4, 5, 6. तो यहाँ पे आ गया 6. ये कंप्लीट किया हुआ है. ठीक है, तो ये है आज का वर्क, जो आपको अपनी नोटबुक में भी करना है. ये नोटबुक है, इसमें भी करना है. ये देखो, इसमें कैसे करना है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं. ओके, ये मैं इसको फिल करके पिक भेज दूँगी आपको. ठीक है, तो ये आपका वर्क हो जाएगा आज का. थैंक यू.